चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के वैकल्पिक क्वेश्चंस और उनके आंसर देख रहे हैं बायोलॉजी के। तो हम लोग अभी तक 700 के करीब क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी ये क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं, इनसे संबंधित जितने लेक्चर बने हैं आपके, वो सब आपको जनरल साइंस नाम की प्लेलिस्ट सूची में मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतने जितना हम लोगों ने पहले इससे पहले बात किया है और अब बात करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। मुझे लगता है हर परीक्षा में इतना काफी है। ठीक है, इसके आगे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक, क्योंकि 1100 के करीब ये क्वेश्चन है, और जनरल साइंस के नाम, जनरल साइंस हम लोगों ने 25 लेक्चर के करीब सामान्य जानकारी भी देख ली थी, तो बहुत है इससे। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। चलिए तो देखते हैं। एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और पितिजीवी और व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। एक प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में, तो याद रखना है, विटामिन होते हैं। एक रोगी जो वो लंबी बीमारी से पीड़ित है और पितिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स विटामिन के प्रतीक होते हैं। 14 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये सूची 1 में हार्मोन है और स्रावत ग्रंथियां हो गई। तो याद रखना, इसमें ये ऑप्शन सही है, प्रोजेस्टोन, ये हमारा गर्भाशय, टेस्टोस्टेरोन, याद रखना, ये हमारा अंडा अंडाशय पुरुषों में। ठीक, थायरोक्सिन, तो याद रखना, ये है थायराइड, इंसुलिन, ये होता है अग्नाशय से। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए व्याख्या में, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय से, टेस्टोस्टेरोन वेषण, थायरोक्सिन सेक्सेजन, थायरोक्सीजन थायराइड ग्रंथि से, इंसुलिन अग्नाशय से। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकाने हेतु उपयोग होता है, तो याद रखना, एथेफोन। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के आदर्श अंग अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो याद रखना, फफूंदों द्वारा। ठीक है, बात करते हैं 17 क्वेश्चन, एक क्षेत्र के प्रोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है, तो याद रखना, बी ऑप्शन सही है। एक क्षेत्र के प्रदोहन समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को अनुक्रमण किया जाता है। 18 क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है, तो याद रखना, उपयुक्त सभी से, जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, जैविक घटकों, अजैविक घटकों तथा भूआकृतिक घटकों के मिश्रण से पर्यावरण कहा जाता है इन सभी को। पर्यावरण में जितने भी जीव, सजीव जीव जंतु पाए जाते हैं, जैविक बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं, सजीव जीव जंतु पेड़ पौधे। पर्यावरण में पाए जाने वाले निर्जीव वस्तुओं को अजैविक कारक कहते हैं, सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश। संवहनी, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो याद रखने, जाइलम टिश्यू से, डी ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो याद रखना, पर्ण, पर्ण फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। फ्लोवर के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, पत्ती और तना के संयुक्त रूप को शॉट कहते हैं। फ्लोवर प्रोह का रूपांतरण जो पौधे को, पौधे का लैंगिक भाग है। बात करते हैं 21 क्वेश्चन, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखना, प्रणाली को स्वरपोषी किया क्रिया। बात करते हैं 22 क्वेश्चन, मेंडल के अनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है, तो याद रखना, यह है हमारा लैंगिक जनन, सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें स्पर्म एवं ओवम भाग नहीं लेता, जनन की क्रिया बॉडी के किसी पार्ट द्वारा होता है, उसे आलिंगिक जनन कहते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा, चीस्ट, प्लाज्मोडियम। जनन की वह क्रिया जिसमें मेल जैमाइट, फीमेल जैमाइट भाग लेता है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 23, भ्रूण एम्ब्रो किस में मिलता है, तो याद रखना, बीज में। फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद ओवरी से फल और ओवल से बीज बनता है, बीज बनता है। स्टेम में, तना में,
वर्म्स कलियां बाई जाती हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, नोड पर होता है आलू गन्ना। पौधे का वह भाग जिसके द्वारा श्वसन उत्सर्जन एवं विकास संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती कहलाती है। बात करते हैं 24, दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो याद रखें सभी प्रकार के कण, ठीक। दोमट मिट्टी में बालू कण, चिकना कण, बांसु कण इत्यादि सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। 25, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो याद रखना बलुई मिट्टी में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 26, किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो याद रखना चिकनी मिट्टी में, कोशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होती है। कैपिलराइज एक्शन के द्वारा पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, इसे एसेंट ऑफ साफ भी कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे को एक्सलेम के द्वारा जल एवं खनिज लवणों लवण पौधे के अन्य भागों में पहचाए जाते हैं। जाइलम का कार्य अपग्रेड डायरेक्शन होता है। बात करते हैं अगला 27, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहते हैं। 28 क्वेश्चन, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो याद रखना उपयुक्त सभी जीन के संमिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से इत्यादि, ठीक। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, तो आप लोगों को पता होगा यकृत, ठीक है, लीवर। बात करते हैं 30, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको पता होगा 300। नवजात शिशु में लगभग 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। वयस्क मनुष्य में 206-208 हड्डियां होती हैं। 31 क्वेश्चन, हरे पौधे किसमें उपस्थित में भोजन बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो याद रखना प्रकाश। बात करते हैं 32 क्वेश्चन, आलू किसका संशोधित रूप है, तो याद रखना तना, आलू तना का रूपांतरित रूप है। इसके अलावा अदरक, हल्दी, ओल, अरबी, प्याज, लहसुन इत्यादि तना के रूपांतरित रूप हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद में खाने योग्य भाग जड़ होती है, ठीक है। बात करते हैं 33, मछली कहाँ से सांस लेती है, तो याद रखना सी ऑप्शन सही है, गलफड़ा। मछली जल के घुले तो ऑक्सीजन सांस के रूप में गलफड़ा गिल से लेती है सांस। मनुष्य लंग्स द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। अग्नाशय किसे स्रावित करता है, तो याद रखना इंसुलिन। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। मनुष्य में मुगवा में सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है जिसे लार स्रावित होता है। लार में टाइमलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करता है। 35, गुलाबी क्रांति से संबंधित है, तो याद रखना प्यास से। 36, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है, तो याद रखना जिंक की कमी, डी ऑप्शन सही है। 37, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है, तो याद रखना संकर बीज। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना सी ऑप्शन है पुरुति पुतिरोधी एस्पिरिन, ये गलत है, ठीक। ज्वारनाशी, पैरासीटामोल, पिति फैन कारक, पॉलीएमाइड्स, सिलिकॉन्स, अस्थि क्षय रोधी, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी, ठीक है। दर्द निवारक दवा है एस्पिरिन, याद रखिए। बात करने वाले हम लोग ऑक्सोनोमीटर का उपयोग करते हैं वृद्धि दर मापने में। पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार जेसी बॉस जगदीश चंद्र बॉस ने के द्वारा किया गया था। 40 क्वेश्चन, बीजों के विकिरण की सेंसर विधि पाई जाती है, तो याद रखना कपास में। 41, लेटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो याद रखना लाइकेंस से। बात करते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तो याद रखना सनई, ठीक। 43, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 20 मिनट के लिए, ठीक है। बात करते हैं 44, निम्नलिखित रोगों में कौन सा जीवाणु जनित है, तो याद रखना यक्ष्मा, टीबी, ठीक है। बात करते हैं 45, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो याद रखना
उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। मानव क्लार्क में नाड़ी स्पंदन उसी दर पर करती है जिस पर हृदय करता है। हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो याद रखिए मकड़ी। मकड़ी को कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मच्छर, खटमल, घरेलू मक्खी को कीट की श्रेणी में रखा जाता है। 47, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानक मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो याद रखना बी ऑप्शन सही है, हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ओब्लोंगेटा अनिच्छिक पेशियों के कार्यों का नियंत्रित करता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क में 4 ऑप्टिक लोब होते हैं जो दृष्टि नियंत्रित का नियंत्रण का कार्य करते हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? तो याद रखना गोरिल्ला। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, याद रखना बंदर से। लैंडस्टीनर एवं वेनर ने 1940 में आर रेसस मंकी में एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा जिसे RH फैक्टर कहते हैं। ठीक, 50, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो याद रखना शकरकंद का। शकरकंद संग्राहक अंग तना नहीं है क्योंकि यह जड़ है। ट्यूबरोसिस रूट कंदिल जड़ में जड़ तना के नोड से निकलता है ये, एवं भोजन संग्रह के कारण इसका आकार अनियंत्रित होता है शकरकंद। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो याद रखना यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है क्योंकि इसे पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। यह अधिक पानी का अवशोषण करता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप यूकेलिप्टस का पौधा है। 52 क्वेश्चन, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? तो याद रखें ग्लूटेन। बात करते हैं 53, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है तो याद रखना बी, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन सही है, भंडारण काल बढ़ाने के लिए फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। 54 क्वेश्चन, पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में? 55, भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है? तो याद रखा कानपुर में। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं? तो याद रखना पाकिस्तान से। टिड्डियां पाकिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश करती हैं। 57, जुगनू किस परिघटना की वजह से सीप प्रकाश देता है? तो याद रखना बायो संदिप्त। ठीक, जुगनू में लोसीफेरिन एंजाइम होता है जो हवा के संपर्क में आने से लोसीफेरिन फेरिज पिगमेंट बनाता है जिसके कारण जुगनू विकास उत्पन्न करता है। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होता है? तो याद रखना विष के रूप में लिया गया DDT। बात करते हैं 59 क्वेश्चन, मृतिका शिल्प मेदभांड और कांच उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यता होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है? तो याद रखना सिलिकोसिस। ठीक, जिससे लंग्स फेफड़ा प्रभावित होता है। आगे बात करते हैं 60 क्वेश्चन, जब हम केंचुआ पर असाधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह है? परासरणीय प्रघात। ए ऑप्शन सही है। 61 क्वेश्चन, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो याद रखना कोशिकाओं में सल्फर। ठीक है, बात करते हैं 62 क्वेश्चन, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बच्चे बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण है? तो याद रखना बिल्ली भी अन्य जानवरों की तरह बराबर घायल होती है लेकिन उसमें जबरदस्त सहन शक्ति, शारीरिक प्रतिरोध और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। ठीक है, बात करने वाले हैं 63, गलकंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखना आयोडीन। ठीक है, 64, प्याज परिवर्तित रूप है? तो याद रखना तने का।
इसमें तना छोटा होता है, इस पर मांसल पत्र सल्क पत्र लगे होते हैं। इसमें खाने वो भाग मांसल पत्र है, लहसुन प्याज का मांसल पत्र खाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते? तो याद रखना चीड़ वृक्ष। ठीक, चीड़ कर स्पोस सिडार लार्च साइकस पाइनस से सभी वृक्ष समूह के हैं। ठीक है, अनावृत बीजी या नग्न बीजी समूह के हैं। इस समूह के पौधे में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता, बीज किसी प्रकार की संरचना में बंद नहीं रखता। 66 क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है तो याद रखना बीज से। ठीक है, बात करते हैं 67, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है तो याद रखना ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। 68 क्वेश्चन, एक्वा रिजिया में अम्लों का अनुपात है तो याद रखना 3:1। एक्वा रिजिया में अम्लों का अनुपात 3:1 होता है। नाइट्रस अम्ल का 1 भाग और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। इसमें सोना प्लेटिनियम आदि धातु घुल जाते हैं। 69, निम्नलिखित में से कौन सा चीज भूमिगत खाद्य तना है तो याद रखना अदरक। 70 क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है तो याद रखना तना। आलू उदाहरण है तो याद रखना रूपांतरित तने का। ठीक है, बात करते हैं 72 क्वेश्चन, काली मिर्च पादप एक है तो याद रखना झाड़ी। ठीक, 73, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं 74, विकास संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है तो याद रखना जल का। बात करते हैं 75, मनुष्य का 75वां क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है तो याद रखना 58 फॉरेनहाइट। ठीक है, या 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है तो याद रखना 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 37। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है तो याद रखे कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। 78, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है तो याद रखना पालक। ठीक, मक्खन देता है चीज, मछली भी देता है, चीज भी देता है। ठीक, पित्त स्रावित होता है तो याद रखना लीवर से, यकृत से। ठीक, ये पित्ताशय में जमा होता है। 80, भोजन का पाचन निम्न अंग में से प्रारंभ होता है तो याद रखिए मुंह से। मनुष्य में मुख में सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है जिसमें लार स्रावित होता है। लाल में तामलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करता है। सेलिवरी ग्लैंड 3 जोड़े में जिसमें पैराटाइड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड, कभी कभी वायरस से पैराटाइड ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है जिसका कारण मम्स मस नामक रोग होता है। पैराटाइड ग्लैंड शाम में पॉइंसॉन्स ग्लैंड विष ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। 81, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो याद रखिए विटामिन ए का, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू है या आंवला। ठीक है, नींबू। 82, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो याद रखना कार्बन। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 83 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो याद रखना इसमें बी ऑप्शन है। मोतियाबिंद आंख से संबंधित है, पीलिया यकृत लीवर से संबंधित है, मधुमेह तो याद रखना ये पाचन से संबंधित है, पाचन ग्रंथि, स्टेमेटाइटिस ये जीभ से संबंधित है। ठीक है, मोतियाबिंद आंख से, पीलिया यकृत लीवर से, मधुमेह पाचन ग्रंथि अग्नाशय से, स्टेमेटाइटिस ये जीभ से संबंधित है। बात करते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है तो याद रखना गाजर। एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ती है तो याद रखना ए काली। ठीक है, ये ऑप्शन सही है 85 का। पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखने पर काली दिखाई देती है, काली वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है जिसके कारण यह काली दिखाई देती है। उजली वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है जिसके कारण यह उजली दिखाई देती है। 86, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है तो याद रखना कैल्शियम, ए ऑप्शन सही है। 87, निम्नलिखित में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है तो याद रखना शैवाल। ठीक है, बात करते हैं 88, पादप विष्णु में
किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो याद रखना आरएनए। नवासी, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो याद रखना लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को। ठीक है, 90, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो याद रखना डॉक्टर बी कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर बी कुरियन को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियम फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो याद रखना H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। 52 क्वेश्चन नंबर 92, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। ठीक, बात करते हैं 93 क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो याद रखना मैग्नीशियम। बात करते हैं 94, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो याद रखना विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, ए ऑप्शन सही है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो याद रखें नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसे रतौंधी भी बोलते हैं। याद रखिए जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट हुआ करे उसे एक बार चेक कर लिया करिएगा, ठीक, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ब्लाइंडनेस भी। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो याद रखना अधिवेग ग्रंथि से। 97, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो याद रखना वर्ड की लवक द्वारा। 98, आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो याद रखना घेंगा रोग। 99, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो याद रखिए सोयाबीन और मूंगफली। ठीक, 800वां क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो याद रखिए स्टार्च, लार स्टार्च के पाचन में से सहायक होती है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। चलिए, तो 800 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं, अब 801 से आगे देखेंगे। ठीक।